सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार कितनी सजग है ये सभी जानते हैं। सरकार ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जो सभी संदेश किसी न किसी माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है, वहीं बलिया के रहने वाले रूपेश सिंह, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं और इन्हें सैंड आर्ट में महारत हासिल है, कोरोना वायरस को लेकर शासन प्रशासन जो संदेश और सूचनाएं टीवी चैनलों, न्यूज़पेपर्स और सोशल साइटों के जरिए लोगों तक पहुंचाने और जागरूक करने का काम कर रहे हैं, वहीं उन सभी संदेशों को सैंड आर्ट के इस बेहतरीन कलाकार ने अपने सैंड यानी रेत से बनाकर एक अलग ही संदेश दुनिया के सामने रखा है, जिसे देखने और समझने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और रूपेश को उसकी कलाकारी के लिए बधाई भी दे रहे हैं। रूपेश की माने तो कोरोना वायरस पर लोगों को जागरूक करने के लिए ये सैंड आर्ट बनाया है। कोरोना के प्रति जागरूकता को लेकर क्या कुछ बनाया और बताया, ये खुद सुने रूपेश की जुबानी। बलिया से शशि कुमार की रिपोर्ट। मैं रूपेश सिंह, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का छात्र हूँ और ये रेत आकृति बना के कोरोना वायरस पे लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने सैंड आर्ट बनाई है। सैंड आर्ट में क्या क्या बनाया है वो मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। पहले हमने बनाया है, सबसे पहले एक बीच में दो स्कूली बच्चे मास्क लगाए हुए हैं और उसके बाद एक उधर बनाया है, पब्लिक गैदरिंग में ना जाए, भीड़ भाड़ में एक सेंटर में जो बनाए हैं उसको रेड करके बनाए हैं और उसके अलावा सबसे ऊपर कोरोना वायरस बनाए हैं और फिर एक इधर बनाए हैं जो हाथ धोता हुआ ऐसे बनाए हैं, जो चीज है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या क्या करना होता है वो चीजें हमने इसमें दर्शाई है, क्या नहीं करना होता है वो चीजें भी हमने दर्शाई है। हमारी भारत की संस्कृति है नमस्ते करना, आज के मॉडर्न युग में लोग थोड़ा अपने आप को ढाल लिए हैं और हाथ मिला रहे थे, लेकिन हमारी पहले की संस्कृति आज कारगर हो रही है और इस कोरोना वायरस में नमस्ते को कारगर बता रही है। उसी तरह से फिर हमने एक उत्तर प्रदेश का टोल फ्री नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार का हमने टोल फ्री नंबर भी इसमें लिखा है कि अगर आपको एक हफ्ते से ज्यादा खांसी बुखार सरदर्द है तो आप लोग उस टोल फ्री नंबर पर फोन करें और अपना इलाज कराएं, अपना बचाव के लिए ट्रीटमेंट कराएं। मैं ये चाहता हूँ कि इस आर्ट से मैं हमेशा बैक टू बैक लोगों को जागरूक करता हूँ, लेकिन इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी में मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट हमें हमारी कलर और बालू का खर्चा दे तो मैं पूरे दुनिया में घूम के ये आकृति बना के और गांव-गांव शहर-शहर लोगों को जागरूक करूंगा। इसका कोई चार्ज भी लेंगे क्या आप? नहीं नहीं, इसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता, मैं तो अपने घर पे या फिर जहां रहता हूं बैक टू बैक बनाता ही रहता हूं, इसका मुझे कोई चार्ज नहीं मिलता। आज तक गवर्नमेंट से मुझे कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिली है और मैं मदद चाहूंगा नहीं, मेरा एक सपना है, ये दाढ़ी मेरी इतनी बड़ी है, ये मेरा संकल्प है कि दुनिया का सबसे बड़ा सैंड आर्ट बना के और उसी चाइना के नाम है जिस चाइना से, जिस ओहवान गांव से ये बीमारी चली है, उसी चाइना का 73 फुट ऊंचा रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को तोड़ के मैं अपने देश का नाम रोशन करूं, अपने देश के नाम वो रिकॉर्ड बनाऊं, यही मेरा संकल्प है और इसी के लिए अगर हमें सहयोग भी चाहिए तो इसी के लिए चाहिए, बाकी मुझे और कोई सहयोग नहीं चाहिए, मुझे कोई और पैसा रुपया कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं है।